Hello everyone. So again in transcription, the issue is not you can't understand transcription. It basically that when you revisit transcription, it feels quite boring. So in a crisp video, we will understand what all needs to be known and how to remember it an easy way. So जैसे DNA replication देखा था वैसे ही शुरू करते हैं. अभी तक subscribe ना किया हो तो जरूर कर दें और initiative को दोस्तों तक पहुंचाते रहें. सो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन में हमें क्या देखना है, ये पूरी ब्यूटीफुल सी प्रोसेस हमें देखना है और इसको हमने दो पार्ट्स में बांटा है. अगले वीडियो में हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन देखेंगे, इस वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन को समझते हैं. सो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन क्या है, नॉर्मल डेफिनेशन देना शुरू करेंगे. तो क्या है, आरएनए का सिंथेसिस होता है डीएनए से. क्यों हो रहा है डीएनए से सिंथेसिस, डीएनए तो खुद इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, पर उसको एक्सप्रेस होने के लिए जो एक्सप्रेस का फॉर्म है उसका वो आरएनए ही है. तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑल्दो स्टोर्ड बट एक्सप्रेस्ड थ्रू आरएनए. अब इसमें डीएनए बिल्कुल जैसे रेप्लिकेशन था वैसी एक स्ट्रैंड होगी, तो वो टेम्पलेट की तरह काम करेगी. तो जो आपका आरएनए बनेगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा. तो बना इसके कॉम्प्लीमेंट्री, पर किससे रिजेंबल कर गया, जो अदर डीएनए स्ट्रैंड है एक्सेप्ट यू और टी, जो आपको डिफरेंस पता है. तो जो दूसरी स्ट्रैंड हुई वो कहीं ना कहीं कोडिंग स्ट्रैंड कहलाएगी, और टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑल्दो बींग टेम्पलेट इज कॉल्ड एज नॉन कोडिंग स्ट्रैंड. फिर क्या होता है कि क्या, अब जैसे रेप्लिकेशन में हमने देखा था कि पूरा डीएनए इन्वॉल्व होता है यूकैरियोट्स में भी, तो क्या ट्रांसक्रिप्शन में पूरा डीएनए इन्वॉल्व होता है? नहीं, ट्रांसक्रिप्शन सिलेक्टिव प्रोसेस है, एक सिलेक्टिव रीजन ऑफ डीएनए में ही होगी बॉडी को जैसी भी नीड रहेगी. सो पूरा डीएनए इन्वॉल्व नहीं होगा. एंजाइम क्या है, यहाँ पे एंजाइम होगी आरएनए पॉलीमरेज. आपको आरएनए बनाना है तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पे डिपेंड कर रही है. प्रोकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स में अलग डिफरेंस आएगा आगे अभी. तो प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज है एक कॉम्प्लेक्स होलो एंजाइम है जिसकी 5 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स हैं, जिसमें 5 सब यूनिट्स क्या है, 2 अल्फा है, 1 बीटा है, 1 बीटा डैश है और 1 सिग्मा फैक्टर है. सो ये आपकी कॉम्प्लेक्स होलो एंजाइम है जिसको यदि हम स्टडीज में देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखती है. तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यूनिट्स तो ठीक है, जो आपको सिग्मा फैक्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये हम देखेंगे अभी आगे. तो ये चीज़ हो गई, अब हम शुरू करते हैं प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन को समझते हुए चलते हैं. तो अब आपको स्टेप्स याद होनी है, तो सब इनिशिएशन एलोंगेशन टर्मिनेशन. तो इनिशिएट कैसे करना है, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्या है, सिग्मा फैक्टर. कैसे सिग्मा फैक्टर, बेसिकली आपको इनिशिएट करना है तो सबसे पहले आपको एंजाइम को लाके डीएनए पे जोड़ना पड़ेगा. तो फर्स्ट प्रोसेस तो यही हो गई कि एंजाइम जिसको बनाना है उसको आपने ला दिए. अब एंजाइम जो एक रीजन से बाइंड करेगी डीएनए के, एंजाइम कहीं पे भी बाइंड तो कर नहीं सकती, आपको पता है स्पेसिफिक रीजन होते हैं डीएनए के. तो वो रीजन जिस पे वो बाइंड करती है उसको कहते हैं प्रमोटर रीजन. प्रमोटर रीजन में ऐसा क्या है जिसके कारण वो प्रमोटर रीजन पहचान लिया जाता है, किसके द्वारा, सिग्मा फैक्टर के द्वारा. सो बेसिकली देयर आर 2 बेस सिक्वेंसेज ऑन द कोडिंग डीएनए स्ट्रैंड विच द सिग्मा फैक्टर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज फॉर इनिशिएशन. सो अब जैसे ये आप इधर देखिए, अब अगर मैं कह रहा हूँ ये आपसे, ये बेसिकली यूकैरियोट्स का है. सो इसमें यूकैरियोट में हम देखेंगे एनहांसर साइलेंसर क्या होता है ये सब. तो अभी आपको अपस्ट्रीम पता है डाउनस्ट्रीम पता है, ठीक है, तो हम माइनस में अपस्ट्रीम लिखते हैं. तो बेसिकली अपस्ट्रीम में कुछ ऐसे सिक्वेंसेज हैं जिसपे सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करके अटैच कर सकता है. सो जो सिक्वेंसेज है वो क्या है, एक ये काफ़ी आपने सुना होगा प्रिबनाव बॉक्स, टाटा बॉक्स है ना, इसमें 6 न्यूक्लियोटाइड रिपीट है ऑफ द सिक्वेंस TATA-AT और ये लोकेटेड है -10 अपस्ट्रीम में फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. सो इसको पहचान के इससे आपका आरएनए पॉलीमरेज जुड़ गया. और यहाँ तो दूसरा सीक्वेंस जो हो सकता है वो है आपका -35 सीक्वेंस, और जिसमें क्या रहेगा TTGA-CA और ये -35 अपस्ट्रीम है. सो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे अपस्ट्रीम में आपके पास जो भी आपका एक पर्टिकुलर रिक्वायर्ड सीक्वेंस है वो आपको हेल्प करेगा सिग्मा फैक्टर को इससे बाइंड करने में. अब बाइंडिंग के बाद क्या होगा, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे ही सिग्मा फैक्टर का काम हो गया, आरएनए पॉलीमरेज उसको बोलेगा तू जा, तो जो आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज कर लिया प्रोमोटर रीजन को, अब सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड हो जाएगा. तो सिग्मा फैक्टर ने क्या दिया, बलिदान. सो अब बेसिकली आरएनए सिंथेसाइज होगा सेम 5'-3', जैसे हम वहाँ देखते रहे डीएनए रेप्लिकेशन, बिल्कुल वैसा ही है 5'-3' एंटी पैरेलल टू डीएनए टेम्पलेट. बिल्कुल वैसे ही इसमें भी एनर्जी लगेगी, तो उसके लिए राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट लगेंगे सारे, और ईच न्यूक्लियोटाइड जैसे ऐड होते जाएगा फर्दर फॉर द फॉर्मेशन एक पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा, ठीक है, तो इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है. अब बेसिकली जो एक डिफरेंस है डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज में, आपने देखा कि डीएनए पॉलीमरेज को एक प्राइमर लगता था, है ना, आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमर नहीं लग रहा है, और ये तो एक अच्छी बात हो गई.
पर एक बुरी बात क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज के पास थी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, जिसको आप एक्सो एंडो न्यूक्लियोटिडेज कहते हैं. सो वो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी यहाँ पे लैकिंग है. सो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी लैकिंग है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई रिपेयर हो, मिस्टेक हो जाती है आरएनए सिंथेसिस में, तो उसका रिपेयर पॉसिबल नहीं है. पर वो तो ठीक है, वो एक फॉर्म ऑफ मोड है, तो इसलिए इतना डेंजरस नहीं है. सो ये चीज़ हो गई. अब बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने डीएनए में पढ़ा था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, वो अनवाइंड होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे आगे जाएगा तो सुपर कॉइल्स की प्रॉब्लम आती है. मैंने आपको बताया भी था सुपर कॉइल्स का, तो सुपर कॉइल्स की प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता था वहाँ पे भी? टोपो आइसोमरेज. तो वही चीज़ यहाँ पे भी आएगी. तो इसमें कुछ ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस रेप्लिकेशन याद रखिए, उससे ही आपका सारा काम हो जाएगा. तो अब एलोंगेशन के बाद बात आती है कि कब एंड करना है चीज़ों को, तो टर्मिनेशन. तो टर्मिनेशन में यहाँ पे वापस से एक प्रोटीन का नाम है, बेसिकली ये प्रोटीन होता है, वो है रो फैक्टर. तो रो फैक्टर क्या है, बेसिकली हेलिकेसिस फैमिली का ही मेंबर है और हेक्सामेरिक प्रोटीन है, ठीक है. तो हेलिकेस अगेन आपको ध्यान होगा, जैसे ही अनवाइंडिंग की बात होती है तो हेलिकेस ध्यान आ जाता है. अब यहाँ पे हम टर्मिनेशन में इस फैमिली के एक मेंबर रो फैक्टर को देख रहे हैं. तो जो टर्मिनेशन है वो या तो रो पे डिपेंडेंट रहेगा या तो फिर रो के बगैर टर्मिनेशन होगा. तो रो पे डिपेंडेंट रहेगा मतलब क्या, कि रो फैक्टर जाएगा और जैसे ही वो ग्रोइंग आरएनए से बाइंड करेगा और फिर वो एक्ट करेगा एज एन एटीपीएस और टर्मिनेट कर देगा ट्रांसक्रिप्शन को, और जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाएगा. इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन का मतलब क्या है कि अब कोई आपको बाहर से मदद नहीं कर रहा है. सो आपके अंदर से इसी प्रॉपर्टी होना चाहिए कि आप खुद से वो चीज़ सॉल्व कर सको. सो अब आरएनए में क्या होता है कि जैसे आपको खुद से चीज़ें सॉल्व करने के लिए अपने आप से अच्छी दोस्ती रखना पड़ती है, खुद से अच्छे से बात करना पड़ती है, उसी प्रकार आरएनए में पैलिंड्रोम्स होते हैं. पैलिंड्रोम्स आपको पता है, जो इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, एडम मैडम, वो एक ही जैसा साउंड करता है. सो अब क्या होगा कि आरएनए में भी टर्मिनल साइट्स पे पैलिंड्रोम्स पाए जाते हैं. तो जब प्रेजेंस ऑफ पैलिंड्रोम इन द टर्मिनल रीजन इज प्रेजेंट, ठीक है, तो अब जैसे ही इस पैलिंड्रोम का उल्टा, मतलब इस पैलिंड्रोम का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सिंथेसाइज हुआ, सो वो फोल्ड कर जाएगा, क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे ना कॉम्प्लीमेंट्री. सो वो फोल्ड कर जाएगा और क्या बन जाएगी आपकी, एक हेयर पिन. तो हेयर पिन बन गई, मतलब कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल टाइप बन गया और आपका टर्मिनेशन हो गया. सो या तो आपने इस प्रोटीन की मदद ली, अगर ये प्रोटीन नहीं है बॉडी में या जो भी सीन है, तो इंडिपेंडेंट ट्रांसमिशन टर्मिनेशन हो सकता है और उसमें आपका हेयर, जो हेयर पिन है उसके फॉर्मेशन के थ्रू होगा. सो आपको बेसिक स्टेप्स समझ में आ गई कि हमने कैसे देखा ट्रांसक्रिप्शन को. सो अभी हमने ये ट्रांसक्रिप्शन देख लिया है, बेसिकली दिस इज स्प्लाइसिंग एंड ऑल दैट आर इन यूकेरियोट्स. सो वो अब हम देखने जा रहे हैं, ठीक है. सो आपने क्या करा, ये आपको रीजन समझ में आया कि आपने ट्रांसक्रिप्शन करा, अगर स्प्लाइसिंग की जरूरत होगी तो ट्रांसलेशन फिर उसके बाद होगा. तो ये आपका खत्म हो गया टर्मिनेशन से ट्रांसक्रिप्शन. अब यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने की जरूरत है. सबसे पहले पॉलीमरेज वहाँ तीन टाइप की हो जाएगी और एक माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए पॉलीमरेज भी होती है. 1 फॉर लार्ज राइबोसोमल आरएनए, 2 फॉर एमआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, 3 फॉर टीआरएनए एंड स्मॉल राइबोसोमल आरएनए. ये बहुत अच्छे से 12th में याद किया होगा, तो ये वही कंसेप्ट है, कुछ नया नहीं है. ये टॉपिक्स अगेन ईजी हैं, बट आपको बस एक साथ कंटेंट सारा याद होना चाहिए. माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए पॉलीमरेज, ये बिल्कुल प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के जैसा, और माइटोकॉन्ड्रिया के आरएनए में इसका रोल रहेगा, ठीक है. सो ये प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज मतलब आपको पता है कैसा है ना, 5 सब यूनिट्स, वो आप ध्यान रखिए. अब इसमें और क्या याद रखना है, प्रमोटर सीक्वेंस. जैसे जो वहाँ प्रमोटर सीक्वेंस देखा था, प्रिबनाव और आपका -35, यहाँ पे हॉगनेस बॉक्स और CA80 बॉक्स. हॉगनेस 25 अपस्ट्रीम और कार्ट इज 70-80 अपस्ट्रीम. सो आपको ये वैल्यूज याद रखेंगे, सो आपके लिए बेटर होगा. प्रमोटर हो गया. अब क्या, इसमें इनिशिएशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और तीन स्टेजेस में. बेसिकली क्या होता है कि इनिशिएशन में एक एक्स्ट्रा फैक्टर लाना है आपको, इन्हांसर, जो मैं आपको डायग्राम बताया था शुरू में. सो क्या होगा कि क्रोमेटिन, जिसमें प्रोमोटर सीक्वेंस है, ठीक है, ये तो आपको पता है प्रोमोटर सीक्वेंस क्या होता है. सो प्रोमोटर सीक्वेंस उसको आपने एक्सेसिबल कर दिया है ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी. अब यहाँ पे एक बात होती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की. तो अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये प्रोमोटर रीजन से बाइंड कर जाता है. और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 6 पाए गए हैं ह्यूमंस में, जिनके नाम बहुत अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं है और ऐसे ही लिखे जाते हैं. सो बेसिकली 6 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, ठीक है, इनको हमने देखा है. और फिर ये क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक दूसरे से भी बाइंड करेंगे और फिर जाके ये बाइंड करेंगे उस एंजाइम से जिसको अल्टीमेटली ये काम करना है. सो बेसिकली उस वाले में आप क्या कर रहे थे, सीधे सीधे एंजाइम थी, उसका एक सिग्मा फैक्टर था, उसको आप कंबाइंड कर दे रहे थे. यहाँ पे ह्यूमंस हैं, यूकेरियोटिक है, थोड़ा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी तो लाओगे, तो क्या ले आओ, बस एंजाइम को किससे बाइंड करा दो, आपकी बात ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से.
और इसको और कॉम्प्लेक्स बनाओ, बेसिकली ये ट्रांसक्रिप्शन को ही और अच्छे से इन्हांस कर दो, तो इस इन्हांसमेंट को हम कहते हैं इन्हांसर, और ये इंक्रीज कर देगा बाय 100-fold. तो अब इन्हांसर को और किससे जोड़ोगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑलरेडी जुड़ चुका है आरएनए पॉलीमरेज से. सो इन्हांसर को जोड़ दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से, तो जो बनेगा वो बनेगा एक्टिवेटर. सो अल्टीमेटली प्रोसेस सेम चलनी है, बस नाम थोड़े से भारी हो जाते हैं, इन्हांसर, एक्टिवेटर, प्रोमोटर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये सब सब बेसिकली वही चीज़ होगी कि क्रोमेटिन ने फिर जगह दे दी कि प्रोमोटर एनहांसर सब क्लोज क्लोज में हो पाए और फिर फैसिलिटेटर हो पाए ट्रांसक्रिप्शन, जो कि बाकी प्रोसेस आप देख चुके हैं. अब इसमें क्या होगा कि जो हमारे ट्रांसक्रिप्ट बना ये फाइनल नहीं है, है ना, क्योंकि जो प्राइमरी हमारा एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट बना वो हीट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए होता है, आपको पता होगा अच्छे से, एग्जॉन इंट्रॉन, ठीक है. तो अब उसमें हमको स्प्लाइसिंग करानी पड़ती है और फिर हम देखते हैं कि हमें एग्जॉन पार्ट को रखते हैं तो उसको हम फिर ट्रांसलेशन कर पाते हैं. तो ये जो ह्यूमंस में एक एक्स्ट्रा स्टेप है, ये एक्स्ट्रा स्टेप जो है हमें ध्यान रखनी पड़ती है, और ये एक्स्ट्रा स्टेप के लिए हमें अगला जो वीडियो है वो देखना पड़ता है, दैट इज़ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. सो इस वीडियो में बस इतना ही, इसमें आप अगेन देख लीजिए किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन किया है और हमने फिर कौन से पार्ट को रखना चाहा है, ई फॉर एग्जॉन, ई फॉर एक्सप्रेसिंग. सो दिस इज़ ऑल वॉट यू नीड टू नो अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन इन क्रिस्प. अगेन अगर पुराने वीडियोज़ विजिट ना किए हों तो वो भी देखते रहें और लर्निंग बनाए रखें. और क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, लोकेशन ऑफ प्रेबनाव बॉक्स, क्या अपस्ट्रीम सीक्वेंस होता है, तो ये आपका आज का क्वेश्चन हो गया. सो अगेन कीप लर्निंग एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स अबाउट द इनिशिएटिव. थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.